थर्ड गियर है यहाँ पर, मैंने थ्रॉटल पे से हाथ हटा दिया है, थर्ड गियर पे बिल्कुल भी नॉक नहीं कर रही है। देखो मैं पैर भी नहीं टिका रहा हूँ, विद पिलियन इतनी कम जगह में इजीली टर्न हो गई है। ये बाइक कितनी रेव हैप्पी है ये देखो, हायर आरपीएम्स पे आप ऐसे लीन भी करके चलाओगे ना, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस दे रही है बाइक। अगर आप एन एस 125 भी लेते हो ना तो आप एन एस फैमिली में ही काउंट होंगे, बिकॉज 160 एंड 200 का कैसा फैन बेस है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की राइड वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज टुडे वी हैव अपडेटेड पल्सर एनएस 125। जहां एक 125 सीसी की एग्रेसिव गुड लुकिंग एंड टॉप एंड किलर बाइक की बात आती है ना, सबके दिमाग में नाम आता है एनएस। बट इस बार बजाज ने ना ही सिर्फ अपनी एनएस 125 साथी में एनएस 160 200, अपकमिंग पल्सर 125 150 सब में एनालॉग मीटर को हटा के कर दिया है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। तो अपडेट्स तो आपको शेयर करूंगा ही, साथ में फ्रंट लुक्स भी इसके चेंज करे वो भी शेयर करने वाला हूं। बट एक्चुअल में नए साल में 125 सीसी की बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, कम बजट में एक अच्छी गुड लुकिंग बाइक चाहिए थी, और कहीं ना कहीं एनएस का फैन बेस आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बाइक आपके लिए कैसी चॉइस रहने वाली सारी बातें करेंगे। इनिशियल पिकअप, कंफर्ट, ब्रेकिंग सब बातें आज आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। एनएस लवर कौन है, किसकी ये ड्रीम बाइक है, कमेंट करना तो बनता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गोप्रो को माउंट करता हूं और चलते हैं इसकी राइड पर। ऑलराइट गाइस, ये रही बाइक की कीज, चलते हैं ऑल न्यू अपडेटेड एनएस 125 को लेकर। पहले तो अपडेट्स बता देता हूं जल्दी से, यहीं पर नया हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है जो अब ज्यादा अपीलिंग लगता है, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फील देता है। साथ ही में जो आप सबका फेवरेट एनालॉग क्लस्टर था ना उसको रिप्लेस करके कर दिया है फुल्ली डिजिटल क्लस्टर। बट कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से हैबिचुअल होने में टाइम लगता है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको आज भी एनालॉग मीटर पसंद आता है। बट एक बात मैं आपको भी वीडियो में शेयर करूंगा ही, साथ ही में सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जॉस्ट हम देखो यार, मतलब रिफाइनमेंट फेज टू के बाद, मतलब पहले आप कार्बोरेटर वाली एनएस देखोगे ना उसके कंपैरिजन में रिफाइनमेंट बहुत हद तक इम्प्रूव करी है। विथ पिलियन में राइड करने वाला हूँ, पहले तो थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच है यहाँ पर, थोड़ा सा ही है, बट देखते हैं कैसे क्या सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है। यहाँ पर काफ़ी ईजिली निकल रही है यार, ये देखो कहीं भी ऐसे टकराने जैसा इशू आपको नहीं आने वाला है, बिकॉज 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। गाइज बेस्ट डील्स के लिए बियानी बजाज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मध्य प्रदेश से व्यूअर्स देख रहे हो या इंदौर से देख रहे हो तो बेस्ट डील्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट गियर लेते हैं, गाड़ियों करते हैं लॉन्च, पीछे कोई नहीं आ रहा, लेट्स गो। रेव स्टिल 10,000 RPM। सो गाइस देखो, गाड़ी में 12,000 तक का RPM देकर रखा है, और आप सभी को मालूम है NS टॉप एंड किंग बोली जाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 10,000 RPM तक इसे लिमिटर लगा कर रखा है, लॉक करके रखा है। कोई अगर NS को ट्यून करा लेगा ना तो मेरे ख्याल से इसका परफॉर्मेंस और हद तक बढ़ जाएगा। बट अभी आपको स्टॉक कौन सा इंजन मिलता है ये मैं बता देता हूँ। 124.45 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन आपको मिलने वाला है, 12 PS की पावर, 11 Nm का टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करने वाली है। थोड़ा सा हाई स्पीड में ले जाकर दिखाता हूँ, मैं इसको हायर RPMs पे चला रहा हूँ ना गाइस, फुट पैक पे, पैर पे, हैंडल बार पे कहीं भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे कहीं भी, मतलब जो रिफाइनमेंट कर दी है ना अब NS 125 में, बहुत ही गजब की यार, मज़ा आ रहा है मतलब इस बाइक को चलाने में। अभी मैं अराउंड 60-70 की स्पीड पे होऊंगा, ब्रेक टेस्ट इसके करते हैं एक बार, दोनों ब्रेक को करते हैं चेक, गजब यार। फ्रंट में 240 mm के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब एक चीज़ इस बाइक में मिसिंग है जो कि है सिंगल चैनल ABS। अब इनकी जो कंपटीटर्स है ना, रेडर में मेरे ख्याल से अपडेट आ जाएगा, बट एक्सट्रीम 125 सिंगल चैनल ABS के साथ आ रही है, तो कहीं ना कहीं बजाज सेफ्टी में इतना ध्यान रखता है, वेट इतना अच्छा देता है, पैनल्स इतने अच्छे प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में तो बजाज कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं है, तो सेफ्टी फीचर्स में भी नहीं करना चाहिए। इतना अपडेट निकाल ही दिया था तो फिर यार सिंगल चैनल ABS भी दे देना था। अब जो फ्रंट हेडलैम्प यूनिट है ना उसमें आपको DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगेंगे, ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक लग रही है। हेलोजन टर्न सिग्नल्स ही मिलते हैं, बट टर्न सिग्नल्स आज भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं इसके हेलोजन ही, अच्छा वो LED नहीं दी है। अब यहाँ पर थोड़ा ऑफ रोडिंग आपको करके दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कच्ची सड़कों के लिए इस बाइक को कंसिडर करना चाह रहे होंगे, तो ऑफ रोडिंग पैच में मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कैसा क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको मिलते हैं मोनोशॉक। बट देखो आप ऐसे कहीं भी आप गड्ढे वगैरह खुदा रहे हो ना, बजाज रफ एंड टफ बाइक्स बनाता है, तो आपको कहीं भी ऐसी कच्ची सड़कों में चलाने से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 mm का मिलता है। टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं,
देखो मैं पैर भी नहीं टिका रहा हूँ विद पिलियन, इतनी कम जगह में इजीली टर्न हो गई है। बहुत पहले एनएस के साथ टर्निंग रेडियस से रिलेटेड शिकायत आती थी, मुझे नहीं पता इसमें डिफरेंस कराए कि नहीं, बट इजीली टर्न हो पाई ये गाड़ी। और एक बड़ा एडवांटेज इसका मिल जाता है 144 kg इसका वेट, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा वेटेड है एज कम्पेयर टू SP रेडर, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, जितनी भी बाइक्स है ना एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर लोगे तो ये सबसे वेटेड बाइक आपको मिलती है। हालांकि एक्सट्रीम का भी अच्छा वेट है 136 kg का, बट ये सबसे वेटेड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्लांटेड ये चलने वाली है। मतलब जो अदर कंपनी 150 से 160 सीसी की बाइक्स में जो वेट देती है ना, वो बजाज ने अपनी NS125 में दे दिया है। इतनी सारी बातें कर ली मैंने, आपको प्राइस शेयर नहीं करी। अगर आपको एनालॉग मीटर वाला वेरिएंट लेना है, बहुत से लोगों की वही ड्रीम बाइक थी, तो अभी भी आपको डीलरशिप्स पे मिल जाएगी बिकॉज कंपनी में स्टॉक बचा हुआ है। उसकी एक्चुअल प्राइस है 1,02,000 rupees। बट नया वाला वेरिएंट ले रहा है फुल्ली डिजिटल क्लस्टर एंड LED हेडलैम्प्स के साथ, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेंगे 1,08,000 rupees एक्स शोरूम। चार कलर में बाइक आती है, एक तो ये अपना ऑरेंज कलर जिसे आप भगवा कलर भी बोल सकते हो, साथ ही में रेड कलर मिल जाता है, आपको ग्रे कलर मिल जाता है और एक ब्लू कलर मिल जाता है। चारों ही कलर काफ़ी अपीलिंग है, पर्सनली मुझे ब्लू कलर और ये ऑरेंज कलर काफ़ी बढ़िया लगते हैं। साथ ही में मनूवर करने की बात करें ना, तो ऐसे आपको देखो लीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज जो चेसिस की बनाई गई है ना, आपको ऐसे लीन करने में नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस ये गाड़ी देने वाली है। वाइब्रेशन रियर व्यू मिरर पे यहाँ पर सच कोई फेस नहीं हो रहे, साथ ही में यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं जो कि आपको चलाने का नेक्स्ट लेवल फील देने वाले हैं। लो एंड टॉर्क एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड गियर है, यहाँ पर मैंने थ्रॉटल पे से हाथ हटा दिया है, थर्ड गियर पे बिल्कुल भी नॉक नहीं कर रही है। 11 Nm का टॉर्क सफिशिएंट हो जाता है, बट अगर मैं थर्ड गियर से बढ़ाने की कोशिश करूँ, ये देखो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गई। सेकेंड गियर से बढ़ा रहा हूँ, लो एंड टॉर्क मतलब देखो ऐसे आइडल पोजीशन पर गाड़ी बननी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ गियर पे भी गाड़ी बननी पड़ रही है, बट जैसे ही मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बढ़ने वाली। बट सेकंड गियर से ट्राई करते हैं, पावर तो देखो यार अच्छी खासी जनरेट कर लेती है। और मैं इतनी हाई स्पीड इसलिए चला पा रहा हूँ बिकॉज ये बाइक आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। ओवरटेक भी करना है तो ईजिली आप कर सकते हो, बिकॉज जितनी दूसरी बाइक है ना 125 cc की सेगमेंट की, उनका इनिशियल और मिड रेंज अच्छी है, बट जहाँ टॉप रेंज की बात आती है ना, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ फीकी पड़ जाती है, लीनियर हो जाती है। बट NS आपको टॉप रेंज पे, टॉप RPMs पे एक अलग ही चलाने का फील देने वाली है। साथ ही मैं यार इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, 805 mm की आपको सैडल हाइट मिलने वाली है, वेट बता दिया मैंने, ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया है, टायर साइज भी एक बार बता देता हूँ, फ्रंट में 80 section टायर मिलते हैं, रियर में 100 section टायर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही में इस बाइक को भगाने का ही मज़ा है यार मेनली। अब देखो गाइस मीटर इसलिए ऑन नहीं है बिकॉज टोटली न्यू यूनिट आपके लिए लेकर आया हूँ, जस्ट उतरी ही थी गाड़ी और आपके लिए वीडियो आ रही है लेटेस्ट वेरिएंट पे। पहले लोग बोलते थे कि बजाज अपग्रेड नहीं कर रहा, आज भी वही एनालॉग मीटर देता है, हेलोजन लाइट्स देता है, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद भी थी, बट लोग बोलते थे कि यार अपडेट चाहिए। अब जब बजाज ने अपडेट कर दिया तो आप सब बोल रहे हो पुरानी वाली यूनिट अच्छी थी। हालांकि मुझे भी पुरानी एनालॉग क्लस्टर वाली यूनिट अच्छी लगती थी, बट समय के साथ चेंज होना ज़रूरी है। कंपटीटर्स आपको फुल फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो बजाज क्यों ना करे, वो वाली बात आ जाती है। थोड़े से यहाँ पर स्ट्रेच लेकर देखते हैं हाई स्पीड पर, जो साउंड ये बनाती है ना हायर RPM पे। तो गाइस मैं एक बात ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं आ रहे यार, कुछ भी नहीं। रेडर को, एक्सट्रीम को एक बार हायर RPM पे ले जाओ ना, वाइब्रेशन फील होते हैं। मतलब मैंने 90 के बाद एक्सट्रीम पे भी फुटपैक्स पे वाइब्रेशन फील करे थे, बट ये बाइक कितनी रेव हैप्पी है ये देखो। हायर RPMs पे आप ऐसे लीन भी करके चलाओगे ना, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस दे रही है बाइक। फ्रंट ब्रेक की बाइट एक बार चेक करते हैं, फ्रंट ब्रेक इतना रिस्पॉन्सिव है, राइट पैर का ही यूज़ नहीं करा है मैंने, तो ओवरऑल कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिलता है, तो अगर मैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई कर रहा हूँ तो रियर ब्रेक भी साथ में अप्लाई हो रहा है, बिकॉज सिंगल चैनल ABS तो आता नहीं है, तो कंपनी ने इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। अब जहाँ कुछ डाउट्स आ रहे होंगे आपके मन में, वो क्लियर कर देता हूँ। माइलेज फॉर श्योर जो डेली कम्यूटर 125 cc बाइक से उसके कंपैरिजन में कम ही रहने वाला है, बट फिर भी अगर आप इकोनॉमी पे चलाते हो तो आपको 50 से 55 तक का माइलेज ये बाइक आराम से दे देगी। साथ ही में NS125 एक ऐसी बाइक है ना जो दिखने में तो काफ़ी स्टाइलिश लगती है, बट इसे आप अगर हाईवे पे चलाओगे, सिटी में चलाओगे,
दोनों जगह कंफर्टेबल चला सकते हो। साथ ही में जो इसकी सीट है ना, स्प्लिट सीट आपको मिलती है, बट कुछ इस टाइप से डिजाइन करी है कि राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है। अब अगर आप बोलोगे कि यार इसमें USD मिल जाते हैं या और फीचर्स मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यार देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है ना, मैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ, बिकॉज मेन है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी गजब की आपको इस बाइक में मिलने वाली है। सो अब बात करते हैं NS125 को नए साल में लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइज देखो, अगर आप एक अप डाउन के पर्पज से बाइक कंसिडर करना चाह रहे थे जो बहुत ज्यादा रिफाइंड हो, काफी हल्की हो, मतलब लाइट वेट हो, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो, देन दिस बाइक इज नॉट फॉर यू। ये बाइक स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट करती है। अब SP125 और ऐसी बहुत सारी बाइक्स है जो आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगी, साथ ही में लाइट वेट रहने वाली है, बट कुछ ऐसे यूथ रहते हैं ना जिनका बजट नहीं है, पर उनको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। पहले से किसी को NS160 पसंद थी, 200 पसंद थी, या MT15, या बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक है जिनको एक महंगी गाड़ी पसंद थी बट कहीं ना कहीं बजट नहीं था, या फिर कम पैसे में एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए थी, तो उनके लिए NS125 रहने वाली है। बिकॉज 1,25,000 से 26,000 रुपये में आपको एक गाड़ी ऑन रोड मिल जाएगी, और उस प्राइस पॉइंट पे आपको अच्छा माइलेज, अच्छे लुक्स, एग्रेसिव डिज़ाइन और अच्छी कंट्रोलिंग, चारों चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। जहाँ बजाज नाम आता है, लो मेंटेनेंस दिखता ही है, इन फ्यूचर NS की रीसेलिंग भी अच्छी मिल जाती है। बिकॉज NS125 का ये कलर और NS125 काफ़ी कॉमन हो चुकी है इंडियन मार्केट में, सिर्फ इसकी एल्डर सिबलिंग के कारण। बिकॉज गाइज आप एक चीज़ सोचो, अगर आप NS125 भी लेते हो ना, तो आप NS फैमिली में ही काउंट होंगे, बिकॉज 160 एंड 200 का कैसा फैन बेस है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ज़्यादा बातें करते नहीं है, गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है फॉर श्योर। साथ ही में गाड़ी आपको एक पावरफुल फील देने वाली है, जो कि बाकी कंपटीटर बाइक्स नहीं दे पाएगी, स्पेशली टॉप एंड की बात करें तो। सो गाइज यार, आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार गाइज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।